आज मैं उज्ज्वल पटेल आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो दो बार बैंकरप्ट होने के बावजूद भी आज वर्ल्ड की सेकंड नंबर की फूड एंड बेवरेज कंपनी है। और ये बताते हुए मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि मेरे ही देश भारत की एक बिजनेस वुमन इंदिरा नुई ने जब से उस कंपनी में काम करना शुरू किया तब से उनकी स्ट्रेटेजीज की वजह से पेप्सिको कंपनी वर्ल्ड की सेकंड नंबर की फूड एंड बेवरेज कंपनी बनी। और एक समय ऐसा आया कि जब किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना होता था तब उनके मुंह से सबसे पहला नाम पेप्सी का ही सुनने को मिलता था। और दो बार बैंकरप्ट हो चुकी इस कंपनी का रेवेन्यू आज 67 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। तो चलिए जानते हैं पेप्सिको और वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सीईओ में से एक इंदिरा नुई की कहानी मेरी जुबानी। 1894 में कैलेब ब्रैडम जो अमेरिका के एक फार्मासिस्ट थे वो अपने यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को अपने हाथों से बनाई हुई एक ड्रिंक पिलाते थे। धीरे धीरे ये ड्रिंक ब्रेड्स ड्रिंक के नाम से इतनी फेमस हो गई कि लोग स्पेशली वो ड्रिंक पीने के लिए उनकी फार्मेसी में आते थे। 1898 में ब्रैडम ने अपनी बनाई हुई ड्रिंक को एक नाम दिया और वो था पेप्सी कोला। पेप्सी कोला में पेप्सी नाम ऐड करने का रीजन ये था क्योंकि उसमें मेन इंग्रेडिएंट था पेप्सिन जो इनडाइजेशन को मिटाने के लिए यूज होता था। और नाम में कोला रखने का रीजन ये था कि उसका टेस्ट उससे कुछ ही सालों पहले शुरू हुई यानी कि 1886 में शुरू हुई कोल्ड ड्रिंक कोको कोला से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके बाद ब्रैडम ने धीरे धीरे अलग अलग जगह पे पार्टनरशिप्स करके अमेरिका के 25 स्टेट्स में अपनी ड्रिंक्स बेचना शुरू किया। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो ही रहा था पर 1914 में वर्ल्ड वॉर वन की वजह से शुगर के प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए और उसकी ही वजह से बहुत कोशिशों के बावजूद भी 1923 में पेप्सी कोला कंपनी बैंक करप्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने कोको कोला कंपनी को कंपनी सेल करने का ऑफर भी दिया पर कोको कोला कंपनी ने उनका ऑफर ठुकरा दिया। और उसके बाद एक वॉल स्ट्रीट ब्रोकर रॉय मैग्रेगल ने पेप्सी कोला कंपनी को खरीद लिया। रॉय 8 साल तक मेहनत करके पेप्सी कोला कंपनी को धीरे धीरे ऊपर लाने की कोशिश कर ही रहा था पर 1929 में अमेरिका में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और तब पेप्सी कोला कंपनी फिर से बैंकरप्ट हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार कोको कोला को सेल करने का ऑफर दिया पर दूसरी बार कोको कोला ने पेप्सी कोला को खरीदने का ऑफर ठुकरा दिया। अब एंट्री होती है चार्ल्स गुड की जो कैंडी स्टोर्स चलाते थे और अपने सभी स्टोर्स में सोडा मशीन्स में से कोको कोला बेचते थे। कोको कोला बेचने से उनको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा था तो उन्होंने एक दिन सोचा कि अगर मैं मिडल मैन को हटाकर डायरेक्ट कोको कोला कंपनी से ड्रिंक खरीदना शुरू कर दूं तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और उनकी इसी सोच की वजह से उन्होंने कोको कोला कंपनी में बात की तब उनको कोको कोला कंपनी ने डायरेक्ट ड्रिंक सप्लाई करने से साफ मना कर दिया और उनके ऑफर ठुकराने की वजह से चार्ल्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सभी स्टोर्स में से कोको कोला बेचना बंद दिया। और तब उनको पता चला पेप्सी कोला के बारे में और उन्होंने पेप्सी कोला के साथ पार्टनरशिप कर ली। उसके बाद चार्ल्स ने पेप्सी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिक्स किया जिसे पेप्सी कोला का टेस्ट कोको कोला से और ज्यादा मिलने लगे और उसको अपने सभी स्टोर्स में बेचना शुरू कर दिया। पर कोको कोला उस वक्त मार्केट में बहुत ही ज्यादा चल रहा था और सबकी जुबां पे एक ही नाम था वो था कोको कोला और उसी वजह से पेप्सी कोला उनके स्टोर पे ज्यादा बिक नहीं रही थी। उसके बाद चार्ल्स ने सोचा कि भले ही मैं कोको कोला के टेस्ट को मैच ना कर पाऊँ पर उसी दाम में अपने ड्रिंक की वैल्यू बढ़ाकर लोगों को ज्यादा वैल्यू दे सकता हूँ। और जहां पर कोको कोला 150 ml की बॉटल 5 सेंट में बेचता था वहां पर चार्ल्स 5 सेंट में 300 ml पेप्सी कोला ड्रिंक देने लगा। और उनकी इसी स्ट्रेटेजी की वजह से जो कस्टमर कम पैसों में ज्यादा वैल्यू वाली प्रोडक्ट इतना पसंद करते थे वो पेप्सी कोला खरीदने लगे और उसी वजह से उनका सेलिंग धीरे धीरे बढ़ता गया। उसके बाद 1994 में पेप्सी कोला कंपनी में एंट्री होती है इंडिया की इंदिरा नुई की। इंदिरा नुई को लीडरशिप बचपन से उनके माँ बाप ने सिखाना शुरू कर दिया था। उनकी माता जी उनको चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनाकर उनकी स्पीच देने को बोलती थी और बड़े बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर भी करती थी। अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उस वक्त लड़कियां टीचर या नर्स ही बनती थी पर इंदिरा के सपने बहुत ही बड़े थे और उसी वजह से उन्होंने मार्केटिंग में MBA करने का डिसीजन लिया और IIM कोलकाता में MBA किया। उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने के लिए और आगे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने लोन लेकर अमेरिका की येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमाकर लोन पे करने के लिए वो रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जॉब करती थी। उस वक्त उनके पास फॉर्मल कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो वो जॉब पे साड़ी पहनकर जाती थी। उसके बाद उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन मोटोरोला जैसी कंपनी में काम करना शुरू किया और 14 साल तक उन्होंने जहाँ पर भी काम किया वहाँ पर हर जगह पे उनका एक ही रूल था कि मेरी ऑफिस में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज़्यादा मैं काम करूँ। उसके बाद 1994 में इंदिरा नुई ने पेप्सिको को ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने 1997 में 4.5 बिलियन डॉलर के साथ पिज़्ज़ा हट, KFC और टाको बेल के सभी रेस्टोरेंट्स के साथ टाई अप कर लिया।
इंदिरा नुई हेल्थ कॉन्शियस थी और वो पेप्सी कोला कंपनी में भी हेल्दी प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहती थी और जो प्रोडक्ट ऑलरेडी उनकी कंपनी में थी उसको जितना हो पाए उतना हेल्दी बनाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने हेल्दी प्रोडक्ट्स को एक्वायर करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1998 में वो जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने ट्रॉपिकाना कंपनी को एक्वायर किया जो ऑरेंज जूस और अलग अलग तरीके के जूस बनाती है। उसके बाद उन्होंने 2000 के साल में क्विकर ओट्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया जो ओट्स और गेटोरेड नाम का एनर्जी ड्रिंक बनाती है और गेटोरेड आज यूएस स्पोर्ट ड्रिंक का 75% मार्केट कैप्चर कर चुकी है। उसके बाद उन्होंने फ्रिटोले कंपनी को पेप्सी कोला कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जो लेस चिप्स चिटोस डोरिटोस जैसी प्रोडक्ट्स बनाती है। उसके बाद उन्होंने डाइट पेप्सी निकाली जिसमें कम शुगर होता है। उसके बाद उन्होंने स्मॉल ट्रेंडी और हेल्दी ब्रांड को एक्वायर करना शुरू किया जैसे कि उन्होंने केविटा कोमुचा और नेक्ट जूस जैसी जूस की ब्रांड को एक्वायर करना शुरू किया और साबरा कंपनी जो काबुली चने में नेचुरल फ्लेवर्स ऐड करके प्रोडक्ट्स बनाती है उसको एक्वायर किया। 2017 में वाटर कैटेगरी में इन्वेस्ट करके उन्होंने वाटर ब्रांड लाइफ वाटर लॉन्च की और अपनी ऐसी स्ट्रेटेजीज की वजह से पेप्सी कोला कंपनी का आधे से ज्यादा रेवेन्यू उनके हेल्दी ड्रिंक्स और स्नैक्स में से आता है। इसके अलावा उन्होंने कंपनी में कुछ रिस्क भी लिए जैसे कि 2015 में उन्होंने हेल्थ कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बदल के सुक्रेलोस डालना शुरू कर दिया पर कस्टमर के बुरे रिव्यूज की वजह से 10 महीने के बाद तुरंत वो फिर से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डालने लगी। पेप्सिको के लेस चिप्स में से इंदिरा नुई ऑयल और सॉल्ट की मात्रा कम करना चाहती थी जिससे वो हेल्दी बन पाए पर अगर वो तुरंत वो चेंजेस कर देती तो लोगों को उसका टेस्ट चेंज हुआ है वो पता चल जाता और शायद कुछ कस्टमर उसको खरीदना बंद भी कर सकते थे। तो वो बहुत ही धीरे धीरे ऑयल और सॉल्ट की मात्रा उसमें से कम करने लगे और आज तक लेज में से 20% से ज्यादा सॉल्ट उन्होंने कम कर दिया है और उसका टेस्ट चेंज हुआ है वो लोगों को पता भी नहीं चला और उसको हम साइकोलॉजिकल गेम भी बोल सकते हैं। अभी पेप्सी 3 फूड कैटेगरीज के साथ वर्क कर रही है। उसमें सबसे पहला है गुड फॉर यू जिसमें हेल्दी प्रोडक्ट जैसे कि गेटोरेड ओट्स क्लीन वाटर और जूस आते हैं। दूसरा है फन फॉर यू जिसमें लेस चिप्स सेवन अप डोरिटोस कुरकुरे मिरिंडा जैसी प्रोडक्ट्स आती है और तीसरी है बेटर फॉर यू जिसमें लिप्टन ग्रीन टी डाइट पेप्सी स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक जैसी प्रोडक्ट्स आती है और इसी तरीके से पेप्सी हर तरह के मार्केट को टारगेट करती है और आज पेप्सिको का रेवेन्यू $67 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना जिससे अगले जितने भी वीडियोज़ आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।